नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् रामायण की लास्ट 5 एपिसोड को कवर करेंगे, यानी कि पिछले हफ्ते की पूरे एपिसोड को हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट 5 एपिसोड में हमको क्या क्या देखने को मिला? लास्ट 5 एपिसोड में हमको ये देखने को मिला कि हनुमान जी समंदर पार कर चुके हैं, वो लंका में पहुंच चुके हैं और सीता जी को वो ढूंढ भी चुके हैं, यानी कि अशोक वाटिका में भी वो पहुंच चुके हैं, लेकिन सीता जी से उनका अभी तक भेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ तक कहानी पहुँचा है, प्लस सीता जी और मंदोदरी जी की कुछ बातचीत भी हमको देखने को मिला, उसके बारे में बात करेंगे, और हनुमान जी लंकिणी आमना सामना होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमको ये भी देखने को मिला कि विभीषण जी कैसे हनुमान जी को सीता जी का डिटेल्स बताते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे साउथ फिल्मों की सस्ते विलेन की छोटे बेटे जैसे देखने वाले अक्षय कुमार के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। शुरू करते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी सक्सेसफुली समंदर को पार कर चुके हैं और लंका पहुंच चुके हैं। रास्ते में उनके सामने कुछ प्रॉब्लम जरूर आया, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम को काट के सक्सेसफुली हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं। इससे ये सीख मिलता है, अगर आपके सामने एम क्लियर है, आपकी एम क्लियर है, तो रास्ते में भले ही चाहे प्रॉब्लम कितना भी क्यों ना आ जाए, वो सारे प्रॉब्लम को काट के आप अपने लक्ष्य स्थल पर पहुँच सकते हो। तो ये सीख हनुमान जी से मिलता है। फिर हनुमान जी लंका में घुसने की कोशिश करते हैं, और जब वो लंका में घुस रहे होते हैं, लंकिणी के हाथ में पकड़ा जाते हैं। फिर लंकिणी और हनुमान जी के एक फनी सा कन्वर्सेशन देखने को मिलता है, फिर लंकिणी को मुक्ति भी मिल जाता है। तो ये जो लंकिणी का सीन है, ये वाल्मीकि रामायण में मेंशन नहीं है। अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो हनुमान जी रात में लंका में घुसने की कोशिश किए थे, क्योंकि दिन में लंका में एंट्री मारना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए हनुमान जी रात का इंतजार किए थे। अच्छा खासा एक उन्होंने प्लान बनाया, अपनी शरीर को छोटा किया, चेंज किया, उसके बाद उन्होंने लंका में घुसने की कोशिश किया और वो लंका में घुस भी गए थे। तो ये ज़्यादा लॉजिकली फिट बैठता है, क्योंकि हनुमान जी के पास बल तो था ही, लेकिन बुद्धि भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी कुछ रामायण की बुक में लंकिणी का तो जिक्र है ही। तो खैर दोस्तों, एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो एपिसोड में हमको देखने को मिला कि लंका में हनुमान जी फाइनली लंकिणी को मुक्ति मिलने के बाद लंका में घुस जाते हैं और सीता जी को खोजना चालू कर देते हैं। वो सारे वाटिका में चेक करते हैं, वो सारे रूम्स में चेक करते हैं, लेकिन सीता जी कहीं पर भी नहीं मिलते। हाँ, रूम्स में चेक करते करते हनुमान जी रावण को जरूर देख लेते हैं। रावण उस वक्त शिव पूजा कर रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसा वाल्मीकि रामायण में मेंशन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ये मेंशन है कि जब सब सो गए थे, यानी कि रावण सो गया था, उनकी पत्नी मंदोदरी सो गए थे, सारे रानियां सो गए थे, रावण की बहुत सारी रानियां था, सिर्फ एक मंदोदरी नहीं थे, ठीक है, बहुत सारी रानियां था और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रानियां था। तो सब रानियां जब सो गए थे, तब जाकर हनुमान जी सीता जी को खोजना चालू किए थे। तो ये होता है प्लानिंग, किस तरीके से हनुमान जी सीता जी को ढूंढना चालू किया था। सब लोग सोए हुए हैं, रिस्क कम है, और हनुमान जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। और एक आपको मैं कारण बताता हूँ क्यों हनुमान जी के लिए वो समय जरूरी था। देखिए, हनुमान जी पहले कभी सीता को नहीं देखे थे, तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि सीता कैसे दिखते हैं। बस राम जो डिस्क्रिप्शन हनुमान को दिए हैं कि सीता कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो सब जो डिस्क्रिप्शन हनुमान को मिला है, बस उसी से ही हनुमान को काम चलाना पड़ेगा, और उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर ही वो नारी को ढूंढना पड़ेगा जो सीता है। तो हनुमान जी के लिए ये जरूरी था लंका में जितनी नारी थे उनको देखना, क्योंकि कौन सा नारी पे वो डिस्क्रिप्शन मैच करता है, वो हनुमान के लिए जरूरी था। इसीलिए लंका में जितने भी रानी थे, हनुमान जी ने सभी को देखा था कि कौन सा रानी सीता हो सकते हैं। और हनुमान जी एक जगह पे ही सिर्फ कंफ्यूज हुए थे थोड़ी देर के लिए, मंदोदरी को देखकर, क्योंकि मंदोदरी की ब्यूटी की डिस्क्रिप्शन सीता जी की ब्यूटी की डिस्क्रिप्शन के साथ लगभग मैच कर जाता है। तो हनुमान जी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर कन्फ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर हनुमान सोचते हैं कि अगर ये सीता होते तो अच्छा पलंग में क्यों सोए हुए हैं, उनको इतना अच्छा वेशभूषा कैसे मिला है। तो उनकी वेशभूषा को देखकर हनुमान जी फिर कन्फर्म होते हैं कि नहीं, ये सीता नहीं हो सकते। तो हनुमान जी फिर आगे सीता को सर्च करना चालू करते हैं। एक एक कोना, एक एक रूम, एक एक बिल्डिंग हनुमान जी ने सर्च किया था, कोई भी कोना ऐसा नहीं था कि हनुमान जी ने छोड़ा हो, लेकिन फिर भी सीता जी हनुमान को नहीं मिले थे। तो हनुमान फिर डीमोटिवेट हो गए थे, वो काफ़ी निराश हो गए थे, वो ऐसा भी सोचने लग गए थे कि किस मुंह से मैं लंका से रिटर्न करूंगा, बानर सेना मेरा प्रतीक्षा कर रही है, किस मुंह से उनके पास मैं जाऊंगा, क्या मैं उत्तर दूंगा, बानर राज सुग्रीव को मैं क्या बोलूंगा, राम जी को मैं क्या बोलूंगा,
ये हनुमान सोच रहे थे। और थोड़ी देर के लिए ये सोचने के बाद, थोड़ा डीमोटिवेट होने के बाद, फिर वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने संकल्प को सुदृढ़ करते हैं और फिर से वो सीता जी को ढूंढना चालू करते हैं। छोटी से छोटी जगह को भी वो नहीं छोड़ते हैं, ऐसा एक भी जगह नहीं था जो हनुमान जी ने सर्च नहीं किया हो। और क्योंकि हनुमान कोना कोना, छोटी से छोटी जगह, हर रूम, हर बिल्डिंग को चेक कर रहे थे, उसी से ही वाल्मीकि रामायण में आपको पता चलेगा कि लंका उस वक्त में कितना सुंदर था। तो हनुमान जी बहुत मेहनत करते हैं, सीता जी को बहुत ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते फाइनली वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में फाइनली वो सीता जी को ढूंढ लेते हैं। तो इस तरीके से वाल्मीकि रामायण में सीता जी को हनुमान जी ने ढूंढा था। अब हम एपिसोड में आएंगे। एपिसोड में हमें क्या दिखाया गया? एपिसोड में हमें ये दिखाया गया कि हनुमान जी सीता जी को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लेकिन सीता जी नहीं मिलते हैं। फिर हनुमान जी राम नाम लेते हैं और उनकी कान में राम सुनाई देता है और राम आवाज़ कहाँ से आ रहा है, हनुमान जी उस आवाज़ को फॉलो करते हैं और विभीषण के घर पहुंच जाते हैं। फिर विभीषण जी हनुमान जी को मदद करते हैं और क्योंकि वहाँ पे विभीषण हनुमान जी की मदद कर देते हैं, वही से ही लंका भेदी विभीषण या फिर घर भेदी उनको बोला जाता है, जो टैगलाइन है इस जगह से ही शुरू हुआ है, घर का भेदी लंका धाय। इसी प्रकार की कुछ डायलॉग आपको रामानंद सागर की रामायण में भी सुनने को मिला था। अगर आप रामानंद सागर की रामायण देखेंगे तो वहाँ पे भी विभीषण जी हनुमान जी की मदद किए थे, हनुमान वहाँ पे भी एक साधु बन के आए थे, फिर विभीषण उनकी मदद किए थे और इन्फॉर्मेशन दिए थे कि सीता कहाँ पर है। तो हनुमान फिर अशोक वाटिका गए थे और सीता जी को ढूंढ लिए थे। लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंस है, वहाँ पे अभी तक विभीषण को रावण ने नहीं तोड़ा है, लेकिन श्रीमद् रामायण में तो रावण कब से विभीषण को तोड़ दिया है, या फिर मैं कहूँ विभीषण रावण को छोड़ के चले आए हैं, लंका छोड़ के चले आए हैं, एक कुटिया बना के अभी रह रहे हैं। तो श्रीमद् रामायण की स्टोरी थोड़ा सा अलग चल रहा है, रामानंद सागर की रामायण में थोड़ा सा स्टोरी अलग था, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको सीता जी और मंदोदरी जी की एक कन्वर्सेशन भी देखने को मिला, तो इसके बारे में हम क्या ही बात करें, ये तो एक फिक्शन था, देखने में अच्छा था लेकिन ये फिक्शन था। अरे हाँ, त्रिजटा को परमिशन मिल गया है, अब जो करना है खुले में करो, यानी कि अशोक वाटिका में सीता जी के लिए फैसिलिटी बढ़ा दिया गया है। और हमें अक्षय कुमार की कुछ सीन भी देखने को मिला था मंडे और ट्यूसडे की एपिसोड में, उसके बारे में क्या ही बात करें, वो भी एक फिक्शन कहानी था। हाँ, बच्चों को डराने के लिए अक्षय कुमार की जो कैरेक्टर है वो सही है, क्योंकि वो एक तेलुगु फिल्मों की एक विलन जैसा काम कर रहा है, एक सस्ता विलन जैसा काम कर रहा है, किसी को भी कभी भी मार देता है, कुछ भी करता रहता है, तो उसके बारे में और क्या ही हम बात करें। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये रिव्यू को अंत कर देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं तो कीजिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक बिल्कुल ठोक के कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।